गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की डेट है 19 जून और आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे आज है मेरा फास्ट, और जैसे कि आप सबको पता है मैं बेवलक्ष्मी व्रत पूरे कर रही हूँ अपने। तो आज मेरा सेकेंड फास्ट है, और सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, फटाफट से मैंने नहाया करके सारे काम वाम किए। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, उसमें आपके साथ पूरी पूजा विधि शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे। जब मैंने अपना पहला व्रत पूरा किया था तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, दीदी आपने कैसे पूजा की है, पूरा विधिवत बताइए। तो सोचा कि चलो आज के ब्लॉग में वही सब मैं कवर करूँगी, इसलिए और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, और जल्दी उठने के बाद घर के सारे काम वगैरह सब निपटा लिए मैंने। चाय भी मैं नहा कर की पीती हूँ, बिना नहाए नहीं पीती हूँ फास्ट। जब भी मेरा कोई भी फास्ट होता है तो नहा कर ही चाय पीती हूँ मैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहा कर ही चाय पीनी है। तो मैं हमेशा नहा कर ही चाय पीती हूँ, थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी आपको फैन की। तो नहा के मैंने सबसे पहले अपनी पूजा की, जैसे हम रेगुलर पूजा करते हैं। नहाना है आपको, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, उसके बाद आपको अपने घर की जो आप डेली पूजा करते हैं उस तरह से अपने भगवान जी की पूजा कर लीजिए, और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहिए। किसी की चुगली नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। और सुबह से ही संकल्प ले लिया अपना व्रत करने का, और इस तरह से तो मैंने अपना व्रत जो है स्टार्ट कर लिया है। पूजा हो गई है घर की, और मैंने नहा के बस चाय पी है, अभी कुछ भी नहीं खाया पिया है, क्योंकि मुझे व्रत वाले दिन भूख ज़्यादा लगती नहीं है और मीठा मुझसे खाया नहीं जाता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। आप चाहें तो एक टाइम फलहार कर सकते हो। और एक बात और बता देती हूँ, वैभवलक्ष्मी व्रत में आप एक टाइम खाना खा सकते हो, बुक में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें खाना नहीं खा सकते हो। हाँ, बिना प्याज लहसुन का खाना खाना होता है। और वैभवलक्ष्मी व्रत की पूजा आपको 4 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो, 4 बजे के बाद, 6 बजे से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले आपको ये वाली पूजा करनी होती है। तो 4 बजे के बाद आप कभी भी पूजा कर सकते हो, 3 बजे से सारी तैयारी वगैरह लगा लीजिए, 4 बजे आप अपनी पूजा पर बैठ सकते हो। तो इस तरह से पूजा करने का जो नियम है वो है, और पूजा जब मैं करूँगी वो तो आपको पूरा शेयर करूँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो मैं आपको मतलब शुरू से आपको क्या क्या करना है वो बता रही हूँ। और ये जो वैभवलक्ष्मी का व्रत है इसको आप शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे कि अब संडे को आ रहा है अमावस्या, संडे को अमावस्या है, तो आप अमावस्या के बाद जो फ्राइडे आएगा उस फ्राइडे से आप अपना फास्ट जो है स्टार्ट कर सकते हो। और शुक्ल पक्ष में इस व्रत को स्टार्ट करना होता है, मेन बात ये है। तो आप देख लेना कब से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो रहा है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष लगने वाला है, तो आप अपना व्रत जो है अमावस्या के बाद, संडे के बाद जो फ्राइडे आएगा तब से आप अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हो। तक आप मेरी ये सारी पूजा देख सकते हो, अगर आपको इस तरह से अच्छा लगे तो कर सकते हो, फिर जैसे जिसके यहाँ पूजा होती है उस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो मैंने शादी से पहले भी ये वाले व्रत किए हैं, और दीदी भी करती थी तो मैं हमेशा ऐसे ही करती थी। तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि अभी चाय पी है, चाय पीने के बाद मुझे कुछ भी खाना पसंद नहीं है। आप इसके चाय पीने के बाद कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, और इसमें आप कोई भी जूस वगैरह भी ले सकते हो। तो जो भी आप फलहार करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद अगर आप मीठा खाते हैं तो मीठा खा सकते हैं, और अगर आप मतलब सेंधा नमक खाते हैं तो सेंधा नमक खा सकते हैं, या फिर आप इसमें रेगुलर नमक भी खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं खाना खाती हूँ, तो ये कुछ बातें थी जो कि मैं अपने लिए फॉलो करती हूँ। आप कैसे करते हो वो कर सकते हो अपने तरह से। और देखो पूजा सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने उसमें करते हैं, जैसे जिसके यहाँ होता है, तो वो मेरे यहाँ होता है उस तरह से मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मैं सच बताऊँ मतलब दिन भर तो मैं बिना नमक के रह सकती हूँ, लेकिन रात को मैं बिना नमक के नहीं रह सकती, चाहे मैं सेंधा नमक खाऊँ या फिर नॉर्मल नमक खाऊँ, क्योंकि मेरा बीपी लो होने लगता है। इसलिए मैं जो है मतलब मीठा खा करके व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि मीठा मुझसे नहीं खाया जाता, और बिल्कुल खाली पेट तो व्रत किया भी नहीं जाता है। तो इसलिए आपको जो अच्छा लगे आप वो खा सकते हो, ठीक है। हाँ, तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है, और इस व्रत को कुंवारी लड़कियाँ भी कर सकती हैं और मैरिड भी कर सकते हैं, ठीक है। सब लोग कर सकते हैं इस व्रत को, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका आप मतलब संकल्प ले लेते हैं, जैसे आपको 11 करने हैं, 21 करने हैं, या फिर आपको 51 करने हैं, उस तरह से आप संकल्प ले लीजिए, अपनी मनोकामना माता रानी के सामने रखिए, संकल्प ले लीजिए, और उसके बाद ये सारे फास्ट आपको कंप्लीट करने हैं, 11, 21, 51,
और जो आपका लास्ट व्रत होता है मतलब आखिरी जो शुक्र वाला आप करेंगे उसमें आपको उद्यापन करना होता है। तो जब मैं उद्यापन करूँगी उसकी विधि भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो अभी तो मैं अपने व्रत जो है पूरे कर रही हूँ और आज मेरा दूसरा शुक्रवार है, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी बहुत बातें कर करके और आपको बता देती कि सुबह से मेरा क्या रहता है, क्योंकि ये भी बहुत सारे आए थे, दीदी आपने क्या खाया, आपने क्या नहीं खाया। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ मैंने चाय पी है और मैं ऐसे ही रहती हूँ। और बस थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूँगी, मैं वापस से दूसरी बार नहाती हूँ। अगर आप नहाना चाहते तो नहा सकते हैं, नहीं तो आप हाथ मुँह धो करके पूजा के लिए बैठ सकते हैं। और क्योंकि मैं नहा लेती हूँ एक बार, क्योंकि जूठे बूठे बर्तन जो है हम लोग साफ कर ही लेते हैं, घर के थोड़े बहुत काम होते हैं वो कर लेते हैं, इसलिए तो पूरी तरह से पवित्र होकर के स्वच्छ होकर के आपको ये पूजा करनी होती है। तो आप हाथ मुँह धोकर भी बैठ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी की जो विधि है वो मैं आपके साथ जब मैं पूजा की तैयारी करूँगी तब से अपना ब्लॉग जो कंटिन्यू करूँगी, और कैसे पूजा की तैयारी करनी है, कैसे आपको ये पूजा करनी है, पूरी विधिवत आज मैं आपको सब कुछ इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये देखो मैं कहाँ बैठी हूँ, म्यूज़िक रूम में बैठी हूँ मैं इनके में, और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ठंडक थी और इसलिए मैं यहाँ पे आके उनके बैठ गई थी। और यहाँ पे हारमोनियम भी रखा हुआ है, ये देखिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बैठी थी, ये भी बैठे थे, तो सोचा कि चलो आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी दे देती हूँ जो मुझे पता है। और तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे इवनिंग में, ठीक है, पूजा के टाइम। तो अभी हो गया है इवनिंग का टाइम और नहा धो करके मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी ली है हल्दी और मैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा चौक लगाऊंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है पूजा करने के लिए, तो उस हिसाब से आप अपना पटा लगा लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हल्दी ली थी, हल्दी से इस तरह से चौक मैंने लगाया है। और अब मैं लूँगी यहाँ पे गेहूं का आटा, जिससे हमारे यहाँ पर चौक पूरना बोलते हैं, तो चौक पूरेंगे। तो ये बहुत शुभ माना जाता है, इस तरह से आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको चौक पूरना नहीं आता है तो आप कोई भी एक फूल बना सकते हैं और उसके ऊपर आपको थोड़े से चावल डालने होंगे, क्योंकि चौक को खाली नहीं रखते हैं इसलिए। तो ये चौक पूरने के बाद हमारे यहाँ पे इस तरह से चौक पूरा जाता है, और उसके बाद आपको इसके ऊपर थोड़े से चावल डालने हैं, उसके बाद ही आपको पटा रखना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आज इस वीडियो में मैं छोटी बड़ी बातें आपको बताने वाली हूँ कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, जितना मुझे पता है उतना मैं बताऊँगी। और प्लीज़ वीडियो को देख करके आप कुछ भी जज मत कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो करना नहीं तो मत करना इस तरह से। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पट्टा रख दिया है, उसके ऊपर मैंने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। पूजन के लिए लाल रंग का कपड़ा शुभ माना जाता है, आप पीला रंग का या फिर कोई और रंग का कपड़ा ना बिछाएं, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का कपड़ा ही बिछाएं। यहाँ पर मैंने माता जी की फ़ोटो रख दी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को भी रख देते हैं, सरस्वती जी की फ़ोटो लगा देते हैं। तो आज का जो वैवलक्ष्मी जो पूजन होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पति की भी पूजा करो विष्णु भगवान जी की, तो लक्ष्मी जी खुश होती हैं, अगर नहीं करोगे तो वो नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, कुछ पूजाएँ ऐसी होती हैं जहाँ देवी देवताओं की अकेले अकेले पूजा की जाती है। तो ये लक्ष्मी पूजन सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी का ही होता है आज के दिन वैवलक्ष्मी में, इसलिए आप लक्ष्मी जी का ही फ़ोटो रखें। मेरे पास नहीं था तो मैं मार्केट से लेके आ गई थी, मेरे पास भी ऐसी एक फ़ोटो है जहाँ विष्णु भगवान जी बैठे हुए हैं लक्ष्मी जी के साथ में, लेकिन मैंने उनको रखना सही नहीं समझा क्योंकि आज के दिन सिर्फ लक्ष्मी जी का ही पूजन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं पट्टी पे मैंने दाई ओर जहाँ हमने फ़ोटो रखा है उनके दाई ओर हमने चावल का छोटा सा ढेर किया हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है करना। और यहाँ मैंने एक कलश लिया है जिसको साफ़ पानी से अच्छे से धो लिया था, माँज लिया था, उसके बाद मैंने इसमें जल भरा हुआ है, इसके अंदर हमने थोड़े से चावल थोड़े से फूल डाले हुए हैं, मौली बांधी है कलश से, कलश पर एक स्वास्तिक हमें बनाना है बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर मैंने एक कटोरी रखी है। यहाँ पे मैंने रख दिया है बुक जिसमें कथा है, और ये मैंने रखा है श्रीयंत्र, बहुत ज़रूरी है, ज़रूर आप रखिएगा। अगर आपके पास नहीं है, आपको पूजा करनी होती है इनकी नहीं है, तो बुक के पीछे भी श्रीयंत्र दिया हुआ है, आप उनकी भी पूजा कर सकती हैं। तो जो कलश के ऊपर हमने कटोरी रखी है उसमें हमें रखना है सोने का गहना। तो पूजन सामग्री में आपको चाहिए एक फल, भोग के लिए खीर चाहिए आपको, क्योंकि सफ़ेद रंग की चीज़ का ही माता रानी को भोग लगता है। यहाँ मैंने धूप रखी है, कपूर बहुत ज़रूरी है, माता रानी को इत्र बहुत पसंद है, इत्र रखा है, माचिस है, कुमकुम है, अक्षत्र है, हल्दी है, और ये मैंने दक्षिणा रखी है, दक्षिणा बहुत ज़रूरी है, तुलसी का पत्ता है, घंटी है आरती करने के लिए, और
और ये मैंने हवन सामग्री ली है हवन करने के लिए। दीपक चाहिए आपको, धूप चाहिए, धूप यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रखी है। और यहाँ पे हमें लाल रंग के फूल चाहिए क्योंकि माता को लाल रंग के फूल ही चढ़ते हैं। आपको कमल के फूल मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे गुलाब के फूल लिए हैं। और ये हमने कुछ एक्स्ट्रा घी लिया है दीपक के लिए। और आपको जो पट्टा है वो कुछ इस तरह से आपको लगाना है माता रानी के पूजन के लिए। तो आप सोने की चीज़ की जगह कोई चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। चांदी का ना हो तो आप इसमें नकद रुपया भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अपनी रिंग रखी है जिसको मैंने गंगाजल से साफ किया है, धो लिया है। और तो मैंने आपको सारी तैयारी दिखा दी है, आपको इस तरह से तैयारी करनी है। और यहाँ पे सबसे पहले हम पूजा करने से पहले दीपक लगाएंगे। तो यहाँ पे दीपक और धूप मैंने दोनों रखे हुए हैं तैयार करके, तो हम दीपक लगा लेते हैं, उसके बाद ही अपना पूजन स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने एक पुष्प लिया है और पुष्प को हम जल में लेकर के और इस तरह से हम जल चढ़ाएंगे सबसे पहले माता पे, और श्री यंत्र पर चढ़ाएंगे जो हमने बुक रखी है वहाँ भी, और जो हमने गोल्ड की चीज़ रखी है कलश पे भी चढ़ाएंगे। तो सभी जगह पहले हम जल चढ़ाएंगे, अब हम इनको तिलक करेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी को हल्दी कुमकुम से तिलक कर दूंगी, उसके बाद अक्षत्र चढ़ाएंगी सभी को। और पूरी पूजा करते टाइम पे आपको मन ही मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना है। तो तिलक करते टाइम पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो हमारी छोटी वाली फिंगर होती है ना उसके बगल वाली फिंगर से आपको देखिए, आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में, इसी फिंगर से आपको सभी को तिलक लगाना है। और ये मैंने अक्षत्र चढ़ा दिए सभी को। तो जो बुक रखी है हमने उनका भी पूजन करेंगे, और ये जो दीपक हमने अभी लगाया है दीपक का भी पूजन करेंगे। तो अब मैं चढ़ा रही हूँ लाल रंग के फूल। तो आज के दिन लाल रंग के फूल ही चढ़ाए जाते हैं। तो अगर गुलाब का फूल नहीं है, कमल का फूल नहीं है, तो आप कोई भी गुड़हल का फूल होता है वो ले सकते हैं, या फिर कोई भी लाल फूल ले सकते हैं, लेकिन लाल फूल ही चढ़ाइएगा। ये मैंने दीपक को भी चढ़ा दिया एक फूल। यहाँ मैंने लिया है इत्र, तो इत्र माता रानी को लगा देंगे, चढ़ा देंगे। और इत्र अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोशिश कीजिएगा वैसे तो आप लगाएं, क्योंकि माता रानी को इत्र बहुत पसंद है। तो यह मैंने एक फल चढ़ा दिया है, आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। तो मैंने सेब चढ़ा दिया है और मैंने बनाई है खीर। तो आज के व्रत में सफ़ेद रंग का ही भोग लगाया जाता है, तो मैंने इसलिए खीर बनाई है, और उद्यापन में भी खीर बहुत ज़रूरी बनती है। तो अगर आपकी कोई मजबूरी है या आप नहीं बना सकते हैं, तो आप शक्कर का, गुड़ का या फिर किसी और मीठी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। और ध्यान रखें कि घर की बनी हुई ही मिठाई होनी चाहिए, बाहर से मत लाइएगा। तो कुछ भी आप घर का बना हुआ रख सकते हैं मीठे में, वैसे मैं तो हमेशा खीर ही बनाती हूँ। तो जिस तरह से हमने लक्ष्मी पूजन किया है उसी तरह से आपको सोने के गहने का भी पूजन करना है। मैंने हल्दी कुमकुम लगाया, अक्षत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाया। विधिवत अगर आप पूजा करते हैं तो आपको आपकी पूजा का फल ज़रूर मिलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे कथा। कथा करने से पहले मैंने यहाँ पे बुक ली है, बुक को हम प्रणाम करेंगे, और बुक में जितनी भी माता रानी के स्वरूप दिए हुए हैं सभी को हम तिलक करेंगे, अक्षत्र चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाएंगे, प्रणाम करते जाएंगे और जय माँ लक्ष्मी का रटन करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी करना है। आपको मेरी बुक थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दे रही होगी, वैसे बुक जो रहती है वो ब्लू कलर की रहती है फ्रंट से, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कथा बिल्कुल सेम है और सेम सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे तिलक कर रही हूँ और अक्षत्र चढ़ा रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ और प्रणाम करती जा रही हूँ। तो इसी तरह से सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री यंत्र भी दिए हुए हैं, इनके भी आपको दर्शन करने हैं और तिलक करना है, फूल चढ़ाना है, अक्षत्र चढ़ाना है, इनको भी प्रणाम करना है। तो सभी को मैंने प्रणाम कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत में एक छोटा सा श्लोक दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे हिंदी में भी इसका अर्थ दिया हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये आप पढ़ लीजिए सबसे पहले। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं उनको कथा पढ़नी नहीं आती है, अगर आप हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कथा किसी और से पढ़वा सकते हैं, आप बैठ करके कथा को सिर्फ सुन सकते हैं। यहाँ पे विधि भी दी हुई है, आप विधि भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से व्रत की कथा स्टार्ट होती है, और व्रत की कथा करने से पहले आप अपने हाथ में मुट्ठी में चावल ले लें और एक फूल ले लें, और आपको सीधे हाथ में लेना है ये,
और अपने मुट्ठी को बंद कर लें। जब ये कथा समाप्त हो जाएगी फिर आपको ये जो फूल हैं यहाँ पे आपको चढ़ा देने हैं। तो ये जो कथा है यहाँ से स्टार्ट होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि कथा बहुत बड़ी है। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का शौर्य भी अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं, घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। तो मेरे घर के आसपास थोड़ी सी नॉइस आती रहती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही होगी थोड़ी सी, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये इस कथा को पढ़ने में 30 मिनट तो मिनिमम लग ही जाते हैं, काफ़ी बड़ी कथा है। तो यहाँ पे कथा मैं अपनी पढ़ लेती हूँ। तो एक कथा आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है और उसके बाद 4 कथा और दी हुई हैं इस पुस्तक में। तो मैंने ये 4 कथा भी पढ़ ली हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो ये 4 कथा मैंने पढ़ ली है और बस कथा पढ़ने के बाद ये जो अक्षत्र और पुष्प हैं हमारे हाथ में, ये हम माता रानी को चढ़ा देंगे और ये जो पुस्तक है इनको प्रणाम करेंगे और इनको हम जगह पर रख देंगे। तो कथा पढ़ने के बाद आपको माता रानी के सामने हाथ जोड़ करके जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी इस तरह से आपको 11 बार जप करना है और आपको माँ के आगे अपनी मनोकामना रखनी है। आपको माँ का आशीर्वाद लेना है, बोलना है मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य कन रखना, कुमारी लड़की को मन भवन पति देना, आपका यह चमत्कार व्यवहार लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना, हे माँ धनलक्ष्मी हे माँ व्यवलक्ष्मी, इस तरह से माँ का आपको आशीर्वाद लेना है और मन ही मन आपको जय माँ लक्ष्मी कहते जाना है। तो इस तरह से अगर आप माता रानी के पूरे व्रत करती हैं तो आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। और बस अब यहाँ पे हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं खीर का भोग लगा रही हूँ, तुलसी का पत्ता डाला हुआ है मैंने। तो यहाँ पे घंटी बजाते हुए माता रानी को हम भोग लगाएंगे। तो मैंने सभी को भोग लगा दिया है और जल भी चढ़ा दिया है। तो अब हम करेंगे आरती। आरती करने के लिए मैंने यहाँ पे एक थाली ली है, उसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे, पूजन करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, अक्षत्र चढ़ाएंगे और ये मैंने आरती की प्लेट रख ली है। तो ये हमारी आरती की प्लेट रेडी हो गई है। घी दीपक में मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। तो अब यहाँ पे हम अपनी आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गणेश जी की आरती करती हूँ और यहाँ पे लक्ष्मी जी की आरती आपको करनी होती है। अगर आपको लक्ष्मी जी की आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो बुक के बैक साइड में आरती दी हुई है, आप वो आरती को देख करके कर सकते हैं। तो आरती भी हो गई है और माता को आरती दे देते हैं, उसके बाद हम आरती ले लेंगे। और घर में आपके जितने भी सदस्य हैं सभी को आरती दीजिएगा, कपूर ज़रूर जलाइएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी आरती हो चुकी है और पूजा मैंने पूरी तरह से कर ली है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पूजा यहाँ पे संपन्न होती है। आप चाहें तो बस यहाँ पे पूजा ख़त्म करके अपना जो प्रसाद आपने माता रानी को चढ़ाया है उसी प्रसाद के साथ आप एक टाइम खाना खा सकते हैं। और अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आप मीठा खा सकते हैं, कुछ भी जो आप खाना चाहते हैं, या फिर फ्रूट्स खा सकते हैं। इस तरह से आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं पूजा मैंने कर ली है और इसके बाद अब मैं करूंगी हवन, क्योंकि मैं हर पूजा में हवन जरूर करती हूँ जिससे सुख समृद्धि घर में आती है और हवन करने से एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है घर में, तो इसलिए मैं हवन करती हूँ। तो बस अभी मैंने हवन रख दिया है और अभी मैं पूजा हवन करूंगी तो आपको वो भी दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। और आप देख सकते हैं पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है। हवन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये हवन सामग्री, आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, शक्कर और थोड़े से चावल डाले हैं, थोड़ा सा मैंने घी डाला है और ये मैंने घी ले लिया है हवन करने के लिए। पूजा करने के बाद गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट आएंगे, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये जो जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक आपको ये पूजा को नहीं उठाना है। जब ये दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद आपको ये जो चावल का ढेर हमने किया था ये आपको पंछियों को डाल देना है अपनी छत पर। और ये जो कलश का जल है इसको हम तुलसा जी में डाल देंगे और उसके बाद आप पटे का पैर छू करके और जो नीचे हमने चौक पूरा था उसका पैर छू करके माता रानी के पैर छू करके आप इस पूजा को उठा सकते हैं। माता रानी को आप मंदिर में विराजमान कर दीजिए, श्री यंत्र को भी कर दीजिए, पुस्तक को भी जगह पर रख दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी जो पूजा है उसको उठा सकते हैं। और इसमें जो गोल्ड का हमने रिंग रखा था ये भी उठा लेंगे।
तो ये हवनदानी जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है किसी भी बर्तन की शॉप पे, और ये होम मैंने कर लिया है। तो ये मैंने जो गोबर के उपले होते हैं उसी से बनाते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले पूजन किया है, जल चढ़ा करके, हल्दी कुमकुम लगा करके, अक्षत चढ़ा के, फूल चढ़ा के पहले पूजन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कपूर मैंने लिया था, थोड़ा सा कपूर डाल देंगे और थोड़ा सा घी डाल देंगे। अगर आपके पास छोले की लकड़ियाँ हैं तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो हवन करने के लिए ही होती हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर नहीं मिलती हैं इसलिए मैंने नहीं ली है। मेरे पास हवन सामग्री है, मैं उसी से हवन करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस तरह से आप हवन कर सकते हैं। हवन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को एक शांति सी मिलती है, घर में बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं यहाँ पे घी डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो घी आप हाथों से ही डालें इस तरह से। और ये हवन सामग्री है, तो हवन सामग्री डालते टाइम पे आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, ये जरूर पढ़िएगा, इससे बहुत अच्छा होता है इसे पढ़ना, और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं मैंने हवन कर लिया है, और ये पूजा मेरी अब पूरी तरह से कम्प्लीट हो गई है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ में। और नेक्स्ट फ्राइडे से आप भी इस व्रत को कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करना है। मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, ये मैंने थाली लगाई है, इसमें बिना प्याज लहसुन का खाना है, छोले की सब्जी है, खीर है और रायता है, पराठे हैं, सलाद है। तो सबसे पहले मैं जो हमारे घर में भगवान जी बैठे हुए हैं उनका भोग लगाऊंगी, तो यही खाना मैं भी खाऊंगी। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय महालक्ष्मी।